बच्चों गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 10 का पाठ 14 सबरी पढ़ेंगे। ये पाठ है सबरी। जब श्री राम अपने वनवास के दौरान एक वन में घूमते हुए आगे बढ़ते जाते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो उनको रास्ते में सबरी का आश्रम मिलता है। सबरी के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत समय से उसको किसी ऋषि मुनि द्वारा ये पूर्वानुमान बताया गया था, संभावना बताई गई थी या भविष्यवाणी की गई थी कि श्री राम आपकी कुटिया में आएंगे, और वो जानती थी कि श्री राम ईश्वर का अवतार है, इसलिए वो उनके इंतजार में वर्षों से उस आश्रम में कुटिया में रह रही थी। और वो रोज़ तैयारी करती थी कि हो सकता कि आ जाए, हो सकता कि आ जाए, और रास्ते में उनके स्वागत में फूल बिछा दिया करती थी। इस तरह उसका जीवन बहुत समय से उन्हीं के इंतजार में रोज तैयारी करते हुए, उनके आने की स्वागत, उनके स्वागत की प्रतीक्षा करते हुए वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। तो सबरी पाठ डॉक्टर प्रेम भारती ने एक कविता के रूप में अपने इस लेख में प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत सबरी पाठ का केंद्रीय भाव कुछ इस तरह होगा। प्रस्तुत काव्यांश डॉक्टर प्रेम भारती की लोकप्रिय कृति सबरी से उद्गृत है। ये इनकी सबरी जो कृति है उसका एक अंश है, एक भाग है। सबरी के प्रख्यात पौराणिक प्रसंग में कवि ने कतिपय मौलिक और एकदम नई उद्भावनाओं को प्रकट किया है। सबरी का हृदय श्री राम के स्वागत हेतु प्रफुल्लता से परिपूर्ण हो उठता है। यहाँ पर लेखक ने, कवि ने बताया है कि जो सबरी है उसका हृदय श्री राम के स्वागत के लिए बहुत प्रसन्नता से परिपूर्ण रहता है। कवि ने सबरी के हृदय की उदारता और वात्सल्यता को संपूर्ण वन प्रांतर तक विस्तारित कर दिया है। उन्होंने सबरी के भीतर जागते द्वंद्व का चित्रण करते हुए उसकी स्वाभाविक आत्मगरिमा का एक साथ चित्रण किया है। सबरी के मन में एक तरफ तो उनके स्वागत की तैयारी के प्रति अधीरता थी, दूसरी तरफ वो ये भी सोचती रहती थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसको वो जो स्वागत कर रही है वो किसी प्रकार, किसी मायने में राजा के पुत्र राजकुमारों के योग्य ना हो। इस तरह उसके मन में एक द्वंद चल रहा था। यद्यपि श्री राम ने स्वागत हित उसके पास उपयुक्त भौतिक संसाधन नहीं है, यद्यपि श्री राम के स्वागत के लिए उसके पास पर्याप्त सुख साधन नहीं है, किंतु प्रेम से भरा हृदय तो है। कवि ने इस प्रसंग में राम की आंखों में आंसुओं की छलछलाहट लाकर उसे एक नाम स्मृति विधान प्रदान किया है। और कवि ने जो श्री राम हैं उनके मन में भी उसके स्वागत और उसके समर्पण के प्रति हृदय में प्रेम उत्पन्न करके उसको एक स्मृति, एक यादगार विधान या नियम प्रदान किया है। श्री राम के आह्लाद, उसकी तृप्ति और सबरी और राम के मिलन के माध्यम से कवि ने वनवासी बंधुओं के साथ राम की अनुरक्ति का चित्रण कर सामाजिक समरसता के संदेश को प्रकट किया है। यहाँ पर कवि ने ये भी स्पष्ट किया है कि जो श्री राम थे वो केवल राजा महाराजाओं के प्रति भी उदार ही नहीं रहते थे, बल्कि उनका ग्रामीण और वनवासियों के प्रति भी उनके मन में बहुत ही अनुराग रहता था। वो उनको भी उतना ही समदर्शी आदर देते थे जितना कि वो अन्य पद में बड़े व्यक्तियों को या दूसरे राजा महाराजाओं और उनके राजकुमार को देते थे। इस तरह उन्होंने समरसता का परिचय इस कविता में दिया है। तो आइए हम कविता प्रारंभ करते हैं। और सत्य ही राम वहाँ पर पता लगाते मुनिगण से, सबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से। अब सबसे पहले इसका प्रसंग इस तरह होगा कि संदर्भ होगा। तो संदर्भ कुछ इस तरह होगा, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बासंती के पाठ से लिया गया है, सबरी पाठ से लिया गया है। इसके कवि डॉक्टर प्रेम भारती हैं, ठीक है। ये हो गया संदर्भ प्रसंग। यहाँ सबरी की कुटिया में पधारे श्री राम के स्वागत का वर्णन किया गया है। यहाँ पर सबरी की कुटिया में पधारे श्री राम और लक्ष्मण के स्वागत का वर्णन इस कविता में किया गया है, ठीक है। अब इसकी व्याख्या इस तरह होगी कि ऋषि मुनियों से पता लगाते हुए श्री राम
के सजीव उद्यान के समान सबरी की कुटिया पर आ गए। श्रीराम जो है ऋषि मुनियों के द्वारा पता लगाते हुए कि सबरी की कुटिया किस दिशा में है, किस तरफ है, वो वहाँ पर उसको ढूंढते हुए पहुँच गए। वहाँ पर स्वागत के लिए सबरी की कुटिया तक आए प्रेम रूप के मधुवन से, मतलब सजीव उद्यान के समान, मतलब प्रेम रूपी मधुवन मतलब होता है उद्यान के समान। ऐसा कवि ने उपमा अलंकार के माध्यम से कहा है कि जो श्रीराम थे वो प्रेम रूप के मधुवन थे, मतलब प्रेम से भरे उद्यान के बगीचे के समान थे, उनको यहाँ उपमा दी गई है श्रीराम को। स्वागत का सुविधान वहाँ था स्वयं प्रकृति का उपमागार, जड़ चेतन सब भूल गया था देख प्रभु का रूप प्रसाद। वहाँ पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति का व्यवस्थित भंडार मौजूद था। यहाँ पर कवि डॉक्टर प्रेम भारती कहते हैं कि सबरी ने स्वागत के लिए कोई ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी, ना ही उसके पास संसाधन थे, लेकिन उसके जो भाव थे वो महत्वपूर्ण थे। तो वहाँ पर स्वागत के लिए स्वयं प्रकृति का व्यवस्थित भंडार मौजूद था। भगवान श्री राम के स्वरूप का अनोखा प्रभाव देखकर वहाँ जड़ और चेतन सभी अपना ध्यान भूल गए थे, सभी को बड़ा अद्भुत लग रहा था। जड़ चेतन सब भूल गया था देख प्रभु का रूप प्रसार। और पीत पावड़े पड़े हुए थे वृक्षों के मधु वंदन वार, उससे चल कर ही कौशल सुत आए थे कुटिया के द्वार। श्रीराम के स्वागत के लिए फूलों से झरने वाले पराग रूपी पीले पावड़े पड़े हुए थे। पीत मतलब होता है पीले और पावड़े मतलब जो पैरों के नीचे बिछाए जाते हैं। वृक्षों के बंधनवार बंधे हुए थे, वृक्षों के मधु बंधनवार बंधे हुए थे, उससे चलकर ही कौशल सुत मतलब श्रीराम उन बंधनवारों को पार करते हुए, बंधनवार मतलब जो दरवाजों के ऊपर गेट के ऊपर लगाए जाते हैं, है ना, स्वागत के लिए सजाया जाता है जब गेट को तो उनके ऊपर लगाए जाते हैं तो उन्हें बंधनवार कहते हैं, उन बंधनवारों को पार करके ही कौशल्या के पुत्र श्रीराम लक्ष्मण के साथ सबरी की कुटिया में आए थे। ठीक है, सबरी की कुटिया के दरवाजे तक आए थे, कुटिया के द्वार। खड़ा गगन का दीप स्वयं ही लिए सूर्य की ज्योति महान, श्रीराम और लक्ष्मण की आरती के लिए आकाश का दीपक अर्थात महान सूर्य प्रकाश से युक्त होकर प्रस्तुत था। मतलब जो सबरी थी उसके पास आरती उतारने के लिए थाली और दीपक नहीं था, लेकिन जो वहाँ सूर्य के प्रकाश से जो आकाश चमक रहा था वो उसके आरती के लिए प्रस्तुत था, खड़ा था। ठीक है, आरती के लिए तारागण ताराओं के पुष्प अलक्षित धूप आरती का भगवान, ताराओं के आरती के लिए तारागण रूपी अज्ञात फूल और धूप वहाँ पर मौजूद थे उनकी आरती के लिए, मतलब उनके आरती या स्वागत के लिए वहाँ पर अज्ञात फूल और धूप के धूप वहाँ पर मौजूद थे या उपस्थित थे। तो काव्य सौंदर्य इसका होगा, यहाँ पर स्वागत और आरती का वर्णन किया गया है, शुद्ध साहित्यिक भाषा का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का स्वाभाविक सौंदर्य देखा जा सकता है। अनुप्रास अलंकार मैंने बताया था जहाँ पर दो या दो से अधिक वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, द्विजगण शंखोच्चार सुनाते सुभागमन में रघुवर के, सबरी अकचक देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के। रघुकुल के महानायक श्री राम के शुभ आगमन पर द्विजगण मतलब होता पक्षी, ठीक है, पक्षियों का समूह। तो द्विजगण शंखोच्चार सुनाते, अब द्विजगण मतलब पक्षी भी होता है और जो ऋषियों का समूह होता है उसको भी द्विजगण कहते हैं। तो यहाँ पर अब ऋषि मुनि तो थे नहीं उनके स्वागत के लिए मंत्रोच्चार करने के लिए, यहाँ पर द्विजगण पक्षियों के लिए कहा गया है, तो उनकी चहचहाट है जो वो श्री राम के मंत्रोच्चार के समान लग रही थी। तो द्विजगण शंखोच्चार सुनाते, पक्षियों के कलरव से ऐसा लगता था जैसे ब्राह्मणों का समूह शंख बजाकर मंगल ध्वनि कर रहा हो। सबरी अकचक देख रही थी आज उन्हें जी भर भर के, और आश्चर्य से चकित सबरी श्री राम को मन भर कर अति निकट से देख रही थी। मतलब उसको बहुत आश्चर्य हो रहा था कि जिसका उसको वर्षों से इंतजार था वो आज उसके द्वार पर आ गए हैं। श्याम स्वर्ण तन कमल नयन थे, जटा मुकुट सिर पर अभिराम, धनुष बाण तरकस को धारे सुंदरता के कोटि ललाम। श्याम मतलब
श्याम मतलब होता है सांवला और स्वर्ण मतलब सुनहरा। तो श्याम और सुनहरे वर्ण वाले श्री राम और लक्ष्मण के सिरों पर, अब जो श्री राम थे वो श्यामल कलर के थे, मतलब उनका रंग था जो थोड़ा सा कम गोरा था, और जो लक्ष्मण थे वो गौर वर्ण थे, इसलिए यहाँ पर श्याम श्री राम के लिए और सुनहरा वर्ण मतलब सोने के समान लक्ष्मण को कहा गया है। तो उनके सिरों पर, इन दोनों राजकुमारों के सिरों पर जटाओं के मुकुट शोभायमान थे, जो उनके बाल थे, जटा थे मतलब बाल थे, उनका ही मुकुट शोभायमान था। अभिराम, अभिराम मतलब जो कि वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। धनुष बाण तरकस को धारे सुंदरता के कोटि ललाम, और कंधे पर धनुष बाण और तरकस धारण करने वाले वे दोनों भाई करोड़ों सुंदरताओं से भी सुंदर लग रहे थे। और कंधे पर धनुष बाण को धारण करने वाले वे दोनों भाई बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे थे। दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, हाँ ये ही हैं अवध भवाल। दीर्घ नेत्र कर सुभग सलोने, हाँ ये ही है अवध भोपाल। कभी कहते हैं कि सबरी सोचती है बड़े बड़े नेत्रों वाले और सुंदर स्वरूप वाले यही अयोध्या की राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। अभी तक उसको पता नहीं है, अभी तक वो कन्फर्म नहीं है, उसको पक्का विश्वास नहीं है कि यही वो हैं जिनका वो इंतजार कर रही थी, श्री राम और लक्ष्मण। तो जब उनके रूप को वो देखती है तो अंदाज़ा यही लगाती है कि यही बड़े बड़े नेत्रों वाले और सुंदर स्वरूप वाले, सुंदर चेहरे वाले अयोध्या के राजकुमार राम और लक्ष्मण हैं। वह अनुभव करती है कि इनका दर्शन करने से मैं धन्य हो गई हूँ और जरा भी शंका नहीं है, अब इनके दर्शन से वो धन्य हो गई है और उसको बिल्कुल भी शंका नहीं है कि यही लेस मात्र संदेह नहीं है, आज हुई मैं अरे निहाल। वो अपने मन में इस तरह से अब धीरे धीरे विश्वास करती जा रही है कि ये यही श्री राम और लक्ष्मण हैं जिनके दर्शनों से या जिनके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गई हूँ। बंधन में क्या गीत सुनाऊँ, कहाँ आरती का सामान, उसकी मन बेहलता पाकर हंसे तभी सानुज भगवान। अब सबरी कहती है कि सबरी सोचती है ना मैं गाना जानती हूँ, ना मेरे पास कुछ सामान है, ना मैं गाना जानती हूँ कि आपके स्वागत में कोई गीत गाऊं, और ना ही मेरे पास आरती करने के लिए, आपकी आरती करने के लिए कोई सामान है, अतः मैं इन राम और लक्ष्मण दोनों राजकुमारों की वंदना में क्या गीत सुनाऊं, कहाँ की आरती का सामान, उनकी मन बहलता पाकर। सबरी की इस भाव भरी बेचैनी को समझकर, उनकी मन बहलता पाकर, मतलब जब श्री राम ने और लक्ष्मण ने उनको देखा कि वो इस तरह बहल हो रहे हैं, अधीर हो रहे हैं कि मैं इनके स्वागत के लिए क्या करूं, तो उनकी अधीरता को देखते हुए, मन में बेचैनी को देखते हुए भगवान श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ मुस्कुराने लगे। हंसे तभी सानुज भगवान, सानुज मतलब छोटे भाई को देखते हुए वो श्री राम हंसने लगे। वाणी थी अवरुद्ध प्रेम में, परम शांत थी हर्ष विभोर, चरण पकड़ कर निरख रही थी पुनि पुनि कृपा सिंधु की ओर। श्री राम के प्रेम भाव से भरी सबरी की वाणी बंद हो गई थी, श्री राम के दर्शन पाकर सबरी के मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। परम शांत थी हर्ष विभोर, और वो प्रसन्नता से भरी थी, बिल्कुल शांत थी, वो बहुत प्रसन्न भी थी लेकिन शांत भी थी, उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। सबरी भगवान राम के पैर पकड़कर कृपा के सागर श्री राम की ओर बार बार देख रही थी, चरण पकड़कर निरख रही थी, मतलब उनके चरण मतलब पैर पकड़कर निरखना मतलब देख रही थी पुनि पुनि बार बार कृपा सिंधु की ओर, और कृपा करने वाले ऐसे कृपा के सागर श्री राम की ओर वो बार बार देख रही थी। मृगछाला का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और भोग हित बेर भेंट को लगी देखने कोनों को। सबरी राम और लक्ष्मण दोनों को बैठने के लिए साफ सुथरी मृगछाला दे रही थी, मृगछाला मतलब जो हिरण की स्किन होती ना, हिरण की छाल होती है, उसको बैठने के लिए उपयोग किया जाता है, तो उसको मृगछाला बोलते हैं। मृगछाला का आसन देती शुद्ध स्वच्छ तब दोनों को, और वो शुद्ध और साफ करके उसको उन दोनों को बैठने के लिए देती है, कौन सबरी, और भोग हित बेर भेंट को, वह उनके खाने के लिए बेर देने के लिए देने हेतु अपनी कुटिया के कोनों
में कुछ ढूंढ रही थी, अर्थात वह कुटिया में बेर तलाश रही थी कि अब मैं इनको तुरंत ही खाने के लिए क्या दे दूँ। उसको दिमाग में, उसके ध्यान में यही रहता था हमेशा, वो हमेशा तैयारी करके रखती थी और अपनी कुटिया में बेर सजा कर रखती थी कि वो जैसे ही आएंगे दोनों राजकुमार, मैं उन दोनों को बेर अर्पित करूँगी, उनके स्वागत में उनको बेर खिलाऊँगी। वन से चुन चुन कर जो मीठे बेर नित्य वह लाई थी, बड़े प्रेम से उनको देने मन ही मन ललचाई थी। सबरी जंगल में रोजाना मीठे बेर बीनकर, मीठे बेर बीनने के लिए जाती थी और वहाँ से बेर चुनकर लाती थी। बेर नित्य वह लाई थी, वह अपने मन में प्रेम भाव से भरे बेर श्री राम को देने के लिए लालायित हो रही थी और वो इस तरह उत्सुक हो रही थी कि कब उन बेरों को, उन दोनों को अर्पित कर दे। उन्हीं मीठे बेरों को वह दोनों भाइयों को खिलाना चाहती थी और मन ही मन वो ये आस लगाए हुई थी, ये सोच रही थी कि कब वो उन दोनों को, उन मीठे बेरों को खिलाए और उनके स्वागत को पूर्ण करे, मतलब उनके सम्मान में जो बेर देना चाहती थी, उनके स्वागत में जो उनको बेर खिलाना चाहती थी, उसको वो पूर्ण करना चाहती थी कि कब उनको वो बेर अर्पित कर दे। 12वें नंबर का पद देखते हैं। कभी सोचती राजभोग को किंतु अरे लेते हैं वे, नहीं नहीं बनवासी होकर कंदमूल लेते हैं वे। सबरी यहाँ उन राजकुमारों को, श्री राम लक्ष्मण को बेर अर्पण करते हुए कभी तो सोचती है कि अरे ये राजकुमार हैं और राजभोग लेने वाले हैं, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में विचार आ जाता है नहीं नहीं अभी तो ये वनवासी हैं और अभी इनका मुख्य भोजन कंदमूल फल ही है, इसलिए उसको देने में कोई संकोच नहीं होता। तो ये यहाँ पर काव्य सौंदर्य श्री राम के भोजन के संबंध में सबरी की चिंता वर्णित की गई है, उनके भोजन के संबंध में सबरी ने उनके प्रति चिंता व्यक्त की है। शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। 13वां पद देखते हैं। अरे बेर में बेर ना होवे, स्वामी को थोड़ा अवकाश, शीघ्र चलूं मैं कुटिया में से, आतुरता में देखें पास। यहाँ पर सबरी सोचती है कि स्वामी राम के पास बहुत कम समय है, उनके खाने के लिए बेर देने में कहीं देर ना हो जाए और वह अपनी कुटिया में जल्दी जाकर, इसलिए वह अपनी कुटिया में जल्दी जाकर शीघ्रता से उन राजकुमारों के पास पहुंच जाती है। मतलब उसको लगता है कि ये राजकुमार हैं, उनको बेर पहुंचने में समय नहीं लगाना चाहिए, इसलिए वो कुटिया से जल्दी चलकर शीघ्रता से उन राजकुमारों के पास जो कि बाहर बैठे हुए हैं कुटिया के, चली जाती है। यहाँ पर स्पष्ट होता है कि सबरी की श्री राम लक्ष्मण को मीठे बेर खिलाने की जो चिर इच्छा है वो उसका वर्णन किया गया है। 14वें पद में देखते हैं। कहने लगी क्षमा हो भगवन, हुआ अगम में जो अपराध, बेर भेंट को भोजन लाई युगों युगों से मेरी साध। सबरी श्री राम लक्ष्मण के पास जाकर कहती है कि हे भगवन, अनजाने में जो विलंब करने का अपराध मुझसे हो गया है उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। वो कहती है कि अनजाने में मुझसे एक अपराध हो गया है, मुझे बेर लाने में देरी हो गई है, इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। मेरी कई युगों से, मेरी जन्मों से जो इच्छा थी उन्हें बेरों को आपके भोजन के लिए भेंट करने के लिए लाई हूँ, जो इच्छा थी बेर भेंट करने की या फिर प्रेम पूर्वक कुछ भोजन कराने की, उसी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं बेर भोजन के रूप में आपके सामने अर्पित कर रही हूँ। यहाँ पर भी अनुप्रास और अनुप्रास यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। बेर, अरे बेर में बेर ना हो गए, यहाँ पर यमक अलंकार है, क्योंकि बेर मतलब यहाँ जो फल है उसका प्रयोग, उसके लिए किया गया है एक बेर का प्रयोग और दूसरे बेर का प्रयोग किया गया है समय के लिए, और जहाँ पर एक शब्द दो अर्थों में आए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। केवल पत्र पर दोनों को ही थोड़े उसने बेर रखे, भक्त बछल ने खूब प्रेम से तभी उन्हें सानंद चखे। कि जो केल पत्र है उस पर सबरी ने उन दोनों राजकुमारों को, राम और लक्ष्मण को बेर परोस दिए और
उन दोनों ने भक्तों से अति प्रेम करने वाले श्री राम ने और लक्ष्मण श्री राम ने पहले तो श्री राम ने प्रेम पूर्ण और आनंद सहित उन बेरों का स्वाद चखा। आज उन्हें कुछ वर्ष बाद पुनि माता की सुधि घिर आई, प्रेममयी जननी ही मानो भोजन ले कानन आई। सबरी द्वारा प्रेम पूर्वक परोसे गए भोजन को करते समय श्री राम को कुछ साल बाद फिर से अपनी माँ की, जो कि उनकी माँ है कौशल्या, उनकी याद आ गई। उन्हें ऐसा लगा मानो प्रेम भाव की माँ ही भोजन लेकर वन में आ गई हों। मतलब जो प्रेम पूर्वक उनकी माँ जैसे भोजन कराती थी राजधानी में या फिर महल में, उसी तरह वो उसी प्रकार ऐसा लगा जैसे उनको ही बेल लेकर माँ कौशल्या ही आ गई हों। आज उनको अपने पुराने समय की याद आ गई। परम स्वाद आनंद उन्हें जो राजभोग में मिलता था उससे भी बढ़कर बेरों में स्वयं रसाम्बुज खिलता था। कभी कहते हैं कि सबरी द्वारा खिलाए गए बेरों से उसको जो उन दोनों राजकुमारों को जो आनंद की अनुभूति होती है, श्री राम की भावुक स्थिति का वर्णन इस पद में किया गया है। श्री राम को जो श्रेष्ठ स्वाद का आनंद अयोध्या में राजसी भोग करने से मिलता था, मतलब जो राजसी भोग है, राजभोग है या राजसी भोजन है, उसको खाने से जो उनको आनंद मिलता था, सबरी द्वारा परोसे गए श्रेष्ठ बेरों में स्वयं आनंद का कमल खिल रहा था, अर्थात उन बेरों में श्रेष्ठतम स्वाद का आनंद मिल रहा था। यहाँ पर कवि ने श्रीराम के द्वारा कहे गए उन भावों को व्यक्त किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो श्रीराम जो उनको महल में भोजन मिलता था उससे भी ज़्यादा आनंद यहाँ पर सबरी द्वारा परोसे गए भोजन बेरों से उनको प्राप्त हो रहा है। स्मृति बादल प्रेम अश्रु में प्रकट हुए दृग में आकर सबरी कांप उठी, यह देख पूछ उठी हो भय कातर। श्रीराम की आंखों में माता की याद, बादलों से प्रेम के आंसू निकल रहे थे। जो श्रीराम हैं उनकी आंखों में माता की याद आ गई है ना, उनके मस्तिष्क में उनको याद आ गई, तो उनका अपनी माँ के प्रति जो प्रेम है वो आंसू बनकर आंखों से छलक पड़ा। श्री राम की आंखों में आंसू देखकर सबरी कांप उठी, प्रकट हुए दृग में आकर, मतलब जो उनकी आंखों में आंसू देखे सबरी ने, सबरी कांप उठी यह देख पूछ उठी हो भय कातर। और सबरी डर गई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे कोई भूल हो बन पड़ी हो। उसने डर से परेशान होकर श्री राम की आंसुओं का कारण जानना चाहा। तो ये हुआ अपना 18वां पद। यहाँ पर भी प्रेम भाव भरे भोजन के आनंद से विभोर श्री राम की दशांकित की गई है। ये हमारा काव्य सौंदर्य हो जाएगा कि प्रेम भाव से भोजन के आनंद ले रहे श्री विभोर श्री राम की दशा का वर्णन किया गया है। अनुप्रास और रूपक अलंकार हैं, शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ये जो मैं बाद में काव्य सौंदर्य बोल रहा हूँ, ये आपको एक लाइन में या दो लाइन में जितना भी आपसे बन पड़े व्याख्या करने के बाद उसमें लिखना है। ये मार्क्स लेने का एक अच्छा तरीका होता है। जो इसको नहीं लिखता है उसके मार्क्स भी कम हो जाते हैं, इसलिए ये पूर्णता लाने के लिए, व्याख्या की पूर्णता लाने के लिए इसका लिखना जरूरी है। और ये एक या दो पद का अर्थ करने के लिए एग्ज़ाम में ज़रूर आता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पद हैं, बहुत सरल भी हैं, साहित्यिक शुद्ध साहित्यिक सरल भाषा में लिखे गए हैं। खड़ी बोली में होने के कारण इनका अर्थ करना उतना कठिन नहीं है, इसलिए इनको आप बहुत ही आसानी से एक या दो बार वीडियो देखकर कर सकते हैं। आगे देखते हैं पद क्रमांक 19। क्या अच्छा है नाथ, क्या अच्छा हे नाथ ना लगता, बेर आपको यह बन का चिंतित मत हो माता सबरी, यह तो है जीवन तन का। जब श्री राम की आंखों में आंसू देखे तो भय से सबरी ने पूछा कि हे नाथ, क्या आपको, श्री राम की आंखों में आंसू देखकर चिंतित होकर सबरी ने पूछा कि हे स्वामी, क्या आपको वन का यह बेर अच्छा नहीं लगता है। उत्तर में श्री राम ने कहा, हे माता सबरी आप चिंतित ना हो। उन्होंने कहा, माता कहते हुए कहा कि हे माँ सबरी आप चिंतित ना हो, यह बेर का भोजन तो मेरे शरीर का प्राण आधार है, प्राण का आधार है, जीवन तन का, यह तो है जीवन तन का, मतलब ये है जो मुझे मेरे प्राणों का आधार है, इतना प्रिय है। फिर क्यों नाथ अश्रु को आए,
फिर क्यों नाथ अश्रु को लाए हंस कर कहते रघुराई, तेरे बेरों के सुस्वाद से याद मुझे माँ की आई। सबरी पूछती है कि हे स्वामी राम, यदि ये बेर आपके जीवन का आधार हैं तो इन बेरों को खाने से आपकी आंखों में आंसू क्यों छलक पड़े? यह सुनकर श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे सबरी, तुम्हारे बेरों के श्रेष्ठ स्वाद के कारण मुझे अपनी माँ की याद आ गई। इसी प्रेममयी स्मृति के कारण, उसी याद के कारण मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरे आंखों में आंसू भरने का कारण मेरी माँ की स्मृति आना है। ठीक है, भोजन भोजन सभी एक हैं, किंतु वही है बर भोजन जहाँ प्रेम की धारा बहती और शांति का आयोजन। यहाँ पर कवि ने श्री राम, यहाँ श्री राम सबरी के प्रेम स्वाद से भरे बेरों के भोजन की सराहना कर रहे हैं। उन्होंने भोजन की विशेषता बताते हुए कहा है कि सबरी को समझाते हुए श्री राम कहते हैं कि संसार में भोजन तो सभी एक से होते हैं, लेकिन श्रेष्ठ भोजन वह है जिसमें प्रेम भाव की धारा बह रही हो और शांति का आयोजन हो रहा हो। अर्थात प्रेम पूर्ण भावना से भरा हुआ भोजन, शांति प्रदान करने वाला भोजन ही श्रेष्ठ भोजन होता है। यहाँ पर श्री राम ने भोजन की विशेषता बताई है कि जो भोजन प्रेम से कराया जाए और जिस भोजन को करने के बाद शांति प्राप्त हो, वो भोजन ही श्रेष्ठ भोजन कहलाता है। बेर बेर में इन बेरों की सबरी करता मृदुल सराह, और बेर मुझको दो सत्वर खाते खाते बढ़ती चाह। श्री राम कहते हैं, हे सबरी, तुम्हारे इन मीठे बेरों की बार बार मधुर सराहना करता हूँ। श्री राम कहते हैं कि आपके ये बेर इतने स्वादिष्ट हैं कि इनकी मैं बार बार सराहना करता हूँ। उन बेरों को खाते हुए और अधिक बेर खाने की इच्छा बढ़ती जा रही है, अतः तुम मुझे और बेर लाकर दो। यहाँ पर श्री राम ने अपनी इच्छा व्यक्त करते हुए और सबरी के द्वारा लाए हुए भोजन की प्रशंसा करते हुए वचन कहा है। यहाँ पर सबरी के प्रेम भरे राम बेर राम को अति स्वादिष्ट लग रहे हैं, ये काव्य सौंदर्य हो जाएगा। सरल सरस खड़ी बोली का प्रयोग किया गया, अनुप्रास अलंकार का सहज प्रयोग देखा जा सकता है। इस कुटिया के द्वार सभी में राजमार्ग को भूला हूँ, गृह सा वातावरण देखकर नव बसंत सा फूला हूँ। यहाँ पर सबरी के मीठे बेरों के स्वाद से प्रसन्न राम की स्थिति का वर्णन किया गया है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। व्याख्या, सबरी के भावपूर्ण स्वागत से प्रसन्न श्री राम कहते हैं कि इस कुटिया के दरवाजे पर आने के बाद मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं सभी राजपथों को भूल गया हूँ। यहाँ पर उन्होंने सबरी की कुटिया की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मैं इस कुटिया के दरवाजे तक आने के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि सभी राजपथों को मैं भूल सा गया हूँ। अर्थात राजमहल से अधिक आनंद तो इस कुटिया में मिल रहा है, यहाँ पर बिल्कुल घर जैसा आत्मीय वातावरण देखकर मेरा हृदय प्रसन्नता से नए बसंत की तरह प्रफुल्लित हो गया है। नव बसंत सा फूला, सा मतलब के समान, नव बसंत के समान, जिस तरह बसंत ऋतु आती है और चारों तरफ हरियाली फूल जाती है, फैल जाती है, उसी प्रकार मेरा मन प्रसन्नचित्त हो गया है। बेर बेर देती है सबरी, बेर बेर ही उनको बेर, तो भी रघुबर बेर बेर ही कहते हैं लाने को बेर। यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि बेर शब्द दो अर्थों में प्रयोग किया गया है। देखते हैं इसका अर्थ। सबरी उन राजकुमारों को खाने के लिए बार बार बेर देती है, फिर भी रघुकुल नायक श्री राम उससे और बेर लाने के लिए बार बार कहते हैं। आशा यह है कि उनके मन में प्यार भरे बेर खाने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर बेर बेर मतलब बार बार देती है सबरी, बेर बेर ही उनको बेर मतलब बार बार बेर, यहाँ बेर शब्द का हर बार है और बेर एक फल के रूप में भी प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर यमक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये काव्य सुंदर हो जाएगा आपका। सरस सुबोध खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है और आवभगत से प्रसन्न चित्त श्री राम की स्थिति का वर्णन किया गया है। पद क्रमांक 25। वह भी राघव को लाकर खिला रही थी उन्हें हुलास, वन माली की सेवा करती पूर्ण भक्ति का सा विश्वास। अति उल्लास से भरी सबरी भी श्री राम को बार बार मीठे बेर लाकर खिलाई जा रही थी। वह अपनी पूरी भक्ति की सफलता पर विश्वास प्राप्त करते हुए वन के माली श्री राम की सेवा अर्चना करती जा रही थी। यहाँ पर जो
सबरी और लक्ष्मण की भावभरी सेवा भावना का वर्णन किया गया है, और उसमें कहा गया है कि सबरी उनको बार बार उनके मांगे जाने पर बेर खिलाई जा रही थी। तभी लखन से बोले भ्राता, लेहु बेर यह मीठा चाक, लो यह है उससे भी अच्छा, पुनः बंधु को देते भाग। उसी समय भाई बड़े भाई श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, लो इस मीठे बेर का स्वाद चखो, यह पहले दिया था उससे भी अधिक मीठा है। मैंने जो तुम्हें पहले बेर दिया था ये उससे भी मीठा है। यह कहते हुए वे भाई को बेर देते जाते हैं। ऐसा कहते हुए वो अपने अनुज लक्ष्मण को बेर देते जाते हैं। यहाँ पर भक्त सबरी के भाव भरे बेर राम को अत्यंत मीठे लग रहे हैं। ठीक है, इसको काव्य सौंदर्य के रूप में लिखा जा सकता है। पत्र क्रमांक 27। दोनों ने ही सुधा समाने खाए बेर उधर भर के, रामचंद्र तब सबरी से यों बोले मुदित बदन करके। श्री राम और लक्ष्मण दोनों ने अमृत के समान मीठे बेर पेट भर के खाए। फिर श्री राम प्रसन्न मुख से सबरी से इस प्रकार कहने लगे, मैं मुनियों के आश्रम में होता हुआ जब से दंडक वन में आया हूँ, तभी से अनेक प्रकार के आदर सम्मानों से ढका हुआ चला आ रहा हूँ। यहाँ पर कवि ने श्री राम के माध्यम से कहलवाया है कि दोनों ही भाई यहाँ पर आदर पाकर और सम्मान पाकर और इस तरह का पारिवारिक प्रेम पाकर बहुत प्रसन्नचित्त हैं। सबरी की सेवा भावना से वो बहुत संतुष्ट हैं। मुनियों के आश्रम होता मैं दंडक वन में आया हूँ, दंडक वन में आया हूँ, अमित भांति के सत्कारों से मैं परितृप्त अघाया हूँ। यहाँ पर श्रीराम कहते हैं कि मैं मुनियों के आश्रम से होता हुआ इस दंडक वन में आया हूँ। जिस वन में सबरी रहती थी वो दंडक वन है, उस दंडक वन में मैंने प्रवेश किया है अमित भांति के सत्कारों से, और नाना प्रकार के कई प्रकार के सत्कारों से मैं तृप्त हो गया हूँ, अघा गया हूँ, और मुझे बहुत ही आदर सम्मानों से छका हुआ सा चला रहा हूँ। छका हुआ मतलब मेरा जो मन है वो तृप्त हो गया है यहाँ आप लोगों के द्वारा सम्मानित होते हुए। किंतु आज जो तृप्ति यहाँ पर मुझे मिली है, हे माता, नयन मौन है, कंठ अलेखा, कुछ भी कहा नहीं जाता। सबरी की सेवा से संतुष्ट श्री राम कहते हैं कि वन में मुझे बहुत सम्मान मिला है, लेकिन हे माता, आज मुझे यहाँ पर जो तृप्ति प्राप्त हुई है वह दुर्लभ है। आपके यहाँ जो मुझे तृप्ति प्राप्त हुई है वो अन्यत्र कहीं नहीं मिली। सेवा और आत्मीयता के भाव के कारण मेरे नेत्र मूक हो गए हैं। जो आपके द्वारा मेरी सेवा की गई है उससे मेरे नेत्र जो हैं वो मूक हो गया है, उनसे कुछ भी कहा नहीं जाता, और मेरा कंठ जो है वो रुंध गया है। अब मैं शब्दों में आपकी सेवा से प्राप्त आनंद को बयान नहीं कर सकता, अतः मैं कुछ भी कह नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, आज सत्य ही, पद क्रमांक 30, आज सत्य ही इस कुटिया पर मिटे मनुज के सभी विषाद, त्याग अवध को आया जब से मन भाया पाया है स्वाद। यहाँ पर फिर से वही अपने महल की, अपने राजकीय जीवन की तुलना करते हुए श्री राम कहते हैं कि आज इस सबरी की कुटिया पर मानव मन के सभी दुख दर्द समाप्त हो गए हैं। आज मुझे जितने भी दुख दर्द मिले हैं, मानव मन में जितने भी दुख दर्द होते हैं, आज आपकी कुटिया में आकर वो सभी समाप्त हो गए हैं। जब से मैंने अयोध्या को छोड़ा है तब से आज मैंने अपने मन के प्रिय भोजन का स्वाद पाया है, और मैं जब से अयोध्या को छोड़कर वनवासी हुआ हूँ तब से पहली बार आज मुझे पेट भरकर और स्वादिष्ट और मेरे आत्मा को तृप्त करने वाला भोजन मुझे प्राप्त हुआ है। इस तरह श्री राम ने सबरी के स्वागत सत्कार का सम्मान या सराहना करते हुए उसकी प्रशंसा की है। काव्य सौंदर्य में सबरी की आत्मीयता भरे भोजन की व्यवस्था से श्री राम तृप्त हैं। काव्य सौंदर्य में लिखा जा सकता है कि जो सबरी ने आत्मीयता से भरी अपने मन से आत्मा से जो भोजन आदि की व्यवस्था श्री राम के लिए की है उससे श्री राम तृप्त हो गए हैं। यहाँ पर भी शुद्ध साहित्य खड़ी बोली का प्रयोग जो कि सभी में एक समान रूप से हुआ है लिखा जा सकता है, और अनुप्रास अलंकार और पद्मत्री अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये हमारा काव्य सौंदर्य हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारा पाठ समाप्त होता है।
इसकी जो PDF के रूप में प्रश्न उत्तर हैं वो आपको बहुत ही जल्द भेज दिए जाएंगे, और इसकी व्याख्या का एक या दो पद मिला के इसमें प्रश्न पत्र में जरूर आते हैं, एग्ज़ाम में जरूर आते हैं, इसलिए आप लोग इसको एक या दो बार पढ़ते हुए इसका अर्थ भली भांति समझ लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें।